हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर जी के जीएस। शिवशंकर जी के जीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का चल रहा था 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक है हम लेकर के चल रहे हैं बायोलॉजी से 2023 के लिए, चाहे तो पीएम हो या पीएम दोनों के लिए चल रहा है, प्राणी जगत से। देखिए, प्राणी जगत जो पीएम के एग्जाम में ज्यादा पूछा जाएगा, पीएमएम के एग्जाम में ना के बराबर पूछता है, लेकिन पीएम वाले में क्वेश्चन प्राणी जगत से, एनिमल किंगडम से हमेशा देता है। इसलिए वीडियो पूरा देखना, एक एक बात को आप अच्छे से समझिएगा। प्राणी जगत में हम पहले बात कर लेते हैं, समझिएगा बढ़िया से। देखिए, पहले भी कई बार हम बता चुके हैं कि प्राणी जगत एक जगत किंगडम जो है और एक क्लास वर्ग, ये दोनों को क्या किया गया था, बांटा गया था। लेकिन एक आए थे वैज्ञानिक जिनका नाम था आरएच बिटकर, ठीक नहीं, आरएच बिटकर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने संसार में जितने भी जीव थे उसको अध्ययन के लिए एकदम सरल रूप से, आसान रूप से अध्ययन के लिए उन्होंने क्या किया था कि जीवों को पांच वर्ग में बांटा था। कौन कौन वर्ग में बांटा था जीवों को? पांच वर्ग में। अब ये जीवों को पांच पांच वर्ग में कौन बांटे थे? पहला बांटे थे मनीरा, यानी बोले थे कि संसार में जितना भी जीव है, सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, तो जीवाणु की अगर बात किया जाएगा पूरे पृथ्वी पर तो जीवाणु का अध्ययन करेंगे मनेरा वर्ग में, वो अलग रख दिए थे। कवक फंगस अलग वर्ग रखे, पंगी प्रोटिस्टा अलग वर्ग रखे, एनिमल अलग रखे। बोले कि संसार में जितना अगर जंतु की बात करें, उच्च वर्गीय जो उच्च श्रेणी में आता है, उस श्रेणी का आने का मतलब जो आपकी आंखों से दिखा है, जिसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं, वो सब उच्च वर्गीय में आता है। तो जितना भी उच्च वर्गीय श्रेणी में आता है उस सबके लिए एक इस वर्ग बनाए थे, एक जगत बनाए थे जिसका नाम है प्राणी जगत, प्राणी वर्ग। और पेड़ पौधा के लिए अलग प्लांट वगैरह, प्लांट किंगडम, पादप जगत, वो अलग। चलिए, तो प्राणी जगत में देखिए, प्राणी का जो निर्माण है संक्षेप में थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कोशिका द्रव्य, क्या है कोशिका द्रव्य? तो कई सारे कोशिका द्रव्य का जब एक टुकड़ा मिलता है, कई सारे, और ये इसके चारों ओर एक झिल्ली बनता है और इसके बीच में फिर यह केंद्रक बनता है, तभी ना एक कोशिका का निर्माण होता है। और उस कोशिका से सब कोशिका एक साथ जुड़ता है तो उत्तक बनता है, उत्तक एक साथ जुड़ता है तो अंगक बनता है, अंग बनता है, अंग एक साथ जुड़ता है तो शरीर बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिए, अगर हम प्राणी जगत की बात करें इसके वर्गीकरण के, तो इसका जो वर्गीकरण का आधार हो सकता है, देखिए प्राणी जगत को में जितने भी संघ बनाए गए, प्राणी जगत में जितने भी जीव आते हैं सबके लिए एक अलग अलग वर्ग बनाया गया, अलग अलग एक संघ बनाया गया। क्या बनाया गया? प्राणी जगत में जितने भी जीव आएंगे उन सबके लिए वर्ग जो है अलग बनाया गया है, उनका संघ जो है अलग बनाया गया है। यानी वर्ग और संघ का मतलब हो गया, संघ मतलब हो गया एगो कि जहां पे उसके शब्द की अगर वर्णन किया जाए तो एक शब्द से उसमें आने वाले सभी जीवों को, प्रजातियों को अध्ययन कर सके, और वर्ग में उसके वर्णन कर सके जो उससे रिलेटेड जीव हो। तो वर्ग और संघ दोनों को जो है अलग अलग इसमें प्राणी जगत में रखा गया है। अगर इस दोनों की वर्गीकरण की बात किया जाए, अगर दोनों को देखा जाए कि वर्गीकरण, हाँ बाबू, अगर ये दोनों की वर्गीकरण का आधार देखा जाए कि वर्गीकरण का संघ और वर्ग में क्या आधार हो सकता है, तो वर्गीकरण का आधार जो है वो हो सकता है, देखिए कई रूप में हो सकता है, जैसे कोशिकाओं में सजावट। देखिए, सभी जीव जो होते हैं उनका शरीर का जो कोशिका होता है, शरीर का कोशिका अलग अलग रूप में सजे होते हैं। हम लोगों का शरीर में कोशिका जो अलग अलग ढंग से सजा हुआ है, शारीरिक सममित जो अलग अलग ढंग से होता है, पाचन तंत्र हर जीव में अलग अलग होता है, रुधिर परिवहन तंत्र और जनन तंत्र सब में अलग अलग होता है, और यही सब जो है जीवों को वर्गीकृत करता है कि आओ वो कुत्ता है, वो हाथी है, घोड़ा है। यही सब क्या करता है कि शरीर की जो आकार, यानी कोशिकाओं की जो सजावट है, कह सकते हैं कि शरीर की जो आकार, शरीर की आकार, आकार क्या करता है जीवों को वर्ग में अलग अलग बांट देता है कि आप कुत्ता वर्ग है, कुत्ता है, या कहेगा आप जो है समुद्र में रहते जलीय वर्ग में आ जाते हो, आप स्तनधारी वर्ग, आप अंडा देते हो अंडज प्राणी में आ जाते हो अंडज वर्ग में, अच्छा आप संतान उत्पन्न करते हो संतान प्रजक संतान वर्ग में आते हो, वो अलग वर्गीकरण इसी के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें कोशिकाओं में सजावट, तो देखिए कोशिकाओं में सजावट यानी हमारे शरीर में जो कोशिका होता है सब एक दूसरे के समूह में होता है, लेकिन हम लोग किसी किसी में क्या होता है कि कोशिकीय सजावट जो अलग अलग ढंग से, हम लोग का शरीर क्या है अलग अलग ढंग से कोशिकाओं का सजावट हुआ है, लेकिन अन्य जीव में अलग अलग ढंग से हुआ है। अगर शारीरिक सममित की बात करें हम,
शारीरिक संमित को। अगर इधर बात किया जाए किसका, शारीरिक संमित का, शारीरिक संमित यानी फिजिकल सिमेट्री, शारीरिक समित की अगर बात करें, इसी को बोल सकते हैं शारीरिक समिति भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें शारीरिक सिमेट्री का यानी फिजिकल, अगर हम बात करें शारीरिक समित का, तो देखिए शारीरिक समित की अगर बात किया जाए तो शारीरिक समित जो है जीवों में अलग अलग ढंग से होता है। क्या होता है? अलग अलग ढंग से। देखिए शारीरिक समित अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो शारीरिक समित में जीव का जो शरीर होगा दो प्रकार से होगा, एक होगा द्विपार्श्व समित और दूसरा होगा आर्य समित। एक होगा क्या होगा, द्विपार्श्व, उसका शरीर क्या होगा, द्विपार्श्व समिति, और दूसरा होगा आर्य समिति, आर्य समिति। अब सुनो, देखो ध्यान से, तो शारीरिक समिति के आधार पर अगर जीवों को देखा जाए ना, तो शारीरिक समिति जो है आधार पर जीव दो प्रकार से उनका शरीर दिखाई देगा। एक चाहे तो उनका शरीर द्विपार्श्व समित दिखाई देगा, या दूसरा उनका शरीर जो दिखाई दे सकता है आर्य समित। अब द्विपार्श्व समित कहने का मतलब इंग्लिश अगर लिख देते, किसी को दिक्कत होता है, बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल देखिए, समझिए। तो आर्य समित की अगर हम बात करें, जैसे आर्य समित और बात कर लेते हैं द्विपार्श्व समित का, तो देखिए यहां पे समझिएगा, अगर आर्य समित को देखा जाए ना, तो मेढक, देखिए मेढक, अगर मेढक को हम लोग क्या करें, मेढक की अगर बात करें, तो मेढक को जब आप काटिएगा बीच के शरीर से, देखिए समझिए, मान लीजिए हम हैं, ठीक है, और हमारे शरीर को बीच से ऐसे एकदम बीच से चीर दिया जाए, दोनों टंगरी को एकदम ऐसे कर दिया जाए, चीर दिया जाए, तो इधर का पार्ट शरीर का जो संरचना है और इधर शरीर का संरचना, यानी देखो समझो बात, यहां से अगर बीच से चीर दिया जाए, तो बीच से केंद्र से चीरा जा रहा है एकदम बीच से, तो केंद्र से जब किसी जीव को काटा जाता है, तो दोनों साइड जो भाग बनता है वो दोनों की रचना समान होता है। क्या होता है? दोनों की रचना जो है क्या होता है, समान होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विपार्श्व समित। देखो द्विपार्श्व समित में वैसे जीव आते हैं जिनके शरीर को, जिनके शरीर को बीच से यानी केंद्र से दो बराबर भागों में बांटा जाता है। जब बीच से दो बराबर भागों में बांटा जाता है, तो उनका दोनों शरीर का भाग जो है, दोनों का रचना समान होता है, उसे द्विपार्श्व समित होता है। और आर्य समित कि जब किसी जीव के शरीर को बीच से केंद्र से अर्धव्यास में काटा जाए, यानी कई खंडों में काट दिया जाए, उसे आर्य समित कहलाता है, ठीक। अब आर्य समित देखो, मछली देखा है, मछली को बीच से चीरो, चिराएगा नहीं, चिराएगा वो कई खंडों में, हम लोग बीच से गोल गोल काट देते हैं मछली का पीस। लेकिन अगर मेढक को देखा जाए तो बीच से एकदम लंबा काटते हैं, काटते नहीं काटते, केचुआ को बीच से काटते हैं, बीच से काटेंगे तो दोनों क्या होता है, एकदम समान संरचना बनाता है। लेकिन मछली काट कर देखो, कुतुल कुतुल ऐसे करके काट देते हैं, गोल गोल बीच से संरचना, वो बीच से बराबर कटता है, नहीं कटता। यानी जिसका शरीर जो है बीच से केंद्र से दो बराबर भागों में काटा जा सके और दोनों भाग की रचना समान हो, द्विपार्श्व समित और आर्य समित, जब किसी जीव के शरीर को बीच से केंद्र से अर्धव्यासों में काटा जाए, अर्धव्यास कहने का मतलब कई खंडों में काटा जाए, आर्य समित होता है, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम हाइड्रा की बात करें, तो हाइड्रा का जो शरीर होता है ना, वो हाइड्रा का शरीर है, देखिए इस शरीर को अगर यहां से बीच केंद्र से ना काट के ऐसे से भी काट देंगे ना, इन कलियों को काट के हटा देंगे ना, तो इस जो अलग एक नया जीव बन जाएगा, बनता है, मेढक के काट के देखो बीच से बनेगा जीव, नहीं बनेगा। तो क्या होता है, जिस शरीर का, जिस भी जीव का शरीर बीच केंद्र से अर्धव्यासों में कई खंडों में काटा जाए आर्य समित, और बीच से दो बराबर समान भागों में काटा जाए और दोनों की रचना समान हो, द्विपार्श्व समित। तो देखिए किसी किसी का जीव के अगर शरीर की बात करें, तो किसी किसी जीव का जो शरीर होता है ना, किसी का द्विस्तरीय होता है, क्या होता है, द्विस्तरीय होता है, और यानी डिप्लोब्लास्टिक, क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक, और किसी का शरीर जो होता है ना त्रि
त्रिअस्तरीय होता है। क्या होता है बाबू? त्रिअस्तरीय यानी ट्रिप्लोप्लास्ट, इधर में डाल देते हैं ट्रिप्लो, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब ये डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक क्या होता है सुनो, जैसे मान लो कोई जीव है और इस जीव के बीच, जीव का जो शरीर है देखो, इस जीव का शरीर है और इस जीव के शरीर में सबसे बीच वाला एक भाग हो गया, तो ये बाहरी वाला जो भाग हुआ है इस बाहरी भाग को इक्टोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बाह्यस्तर, इक्टोडर्म। और ये वाला जो अस्तर है बीच वाला, इस वाले अस्तर को बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं बाबू? एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म कहते हैं। तो सुनो, शरीर का जो दो अस्तर होता है, किसी किसी जीव में देखिएगा कि जीव का जो शरीर होता है वो दो अस्तर होता है, ये पहला अस्तर बन गया, अब ये बन रहा अंदर वाला दूसरा अस्तर, यानी एक अस्तर ही हो गया, दूसरा अस्तर ही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी भी जीव का देखिएगा शरीर जो होता है दो अस्तर का होता है, यानी डिप्लोप्लास्टिक होता है, यानी बाहरी वाला इक्टोडर्म होता है और सबसे अंदर वाला एंडोडर्म होता है, ठीक है। लेकिन किसी किसी जीव में देखिएगा ना कि जीव का शरीर त्रिअस्तरीय हो जाता है, यानी दोनों अस्तर जो है इस ये वाला अस्तर, एक अस्तर ये हो गया और एक अस्तर ये हो, ये दोनों अस्तर के बीच में एक और अस्तर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक और अस्तर जो है पाया जाता है, बीच में क्या पाया जाता है? एक और जो है अस्तर पाया जाता है। तो बीच वाला अस्तर को मीजोगैलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोगैलिया बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि जब किसी जीव का शरीर दो अस्तर यानी एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच तीसरा अस्तर मीजोगैलिया होता है तो वो त्रिअस्तरीय जीव होता है, उसका शरीर क्या होता है? त्रिअस्तरीय होता है, ठीक। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं प्राणियों के वर्गीकरण के बारे में। जी हाँ, प्राणी, अब इसमें प्राणी जगत में कौन कौन से जीव को यहाँ पे पढ़ना है, प्राणी जगत में कौन कौन सा संघ है, इसकी बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है उसी संघ पर, इसको अगर लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। वो कोशिका स्तर, देखिए बहुकोशिकीय में जितने भी जीव आएंगे उनके अगर बात कर ले, कोशिका स्तर या उत्तक स्तर पे या अंग तंत्र स्तर पे, तो कोशिकीय स्तर पर अगर जीवों को देखा जाए ना, तो कोशिकीय स्तर पर जीव जो है संघ में आते हैं, पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ जो एक कोशिकीय जीव आता है, कौन से संघ में आता है? इस संघ जो है, सुन लो यहाँ पे, अगर जीव को, प्राणी को देखा जाए कोशिकीय स्तर पर यानी एक कोशिका पर, तो एक कोशिका के आधार पर अगर संघ को देखा जाए तो वो आता है पोरीफेरा संघ, ठीक है। लेकिन अगर उत्तक यानी कोशिकाओं के समूह या अंग तंत्र, ठीक है, तो देखिए अंग तंत्र जैसे हम लोग क्या है, उत्तक है, अंग तंत्र व्यवस्था हमारे शरीर में आता है, उत्तक है, तो अगर इसके आधार पर देखा जाए जीव को, तो इसमें जीव का शरीर जो होता है दो प्रकार से, एक आर्य सममित शरीर होता है, एक होता है दीपासर्व सममित। तो आर्य सममित में आता है सिलेंड्रेटा, नाइडेरिया, टीनोफेरा, यानी सिलेंड्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं और टीनोफेरा आता है। कौन कौन सा संघ आता है याद रखिएगा, कि उत्तक स्तर के आधार पर या अंग तंत्र के आधार पर शरीर जो होता है दो भाग में बटा होता है जीव का, कितने भाग में? दो भाग में, एक आर्य सममित के रूप में, दूसरे का दीपासर्व सममित के रूप में। आर्य सममिति में कौन कौन से संघ आते हैं? आते हैं सिलेंड्रेटा जिसको नाइडेरिया बोलते हैं और टीनोफेरा आता है। लेकिन अगर यही बात कर ले दीपासर्व सममित में, तो दीपासर्व सममित में जो शरीर होता है उनका, वो शरीर गुहा, मिथ्यासुलोम और फिलोम के साथ होता है। अब शरीर गुहा में आता है प्लेटी हेलमिंथिस संघ, शरीर गुहा में कौन आता है? प्लेटी हेलमिंथिस संघ। प्लेटी हेलमिंथिस संघ में जितने भी जीवात उनमें शरीर गुहा पाया जाता है, यानी इसमें सिलोम जो होता है, शरीर गुहा की अगर बात करें तो इसमें सिलोम जो होता है अनुपस्थित होता है, यानी अनुपस्थित कहने का मतलब कि जैसे देखिए एक है इस शरीर का क्या है, शरीर भित्ति, ये क्या है बाबू? शरीर भित्ति है। आय दूसरे का क्या है, मान लो ये क्या है दूसरे का? पाचन नली है, ठीक है, पाचन नली। तो देखो किसी भी जीव का शरीर भित्ति और पाचन नली के बीच जो, पाचन नली के बीच जो मीजोगैलिया पाया जाता है उसी को बोलते हैं सिलोम। तो इसमें जो है उपस्थित भी होता है सिलोम, अनुपस्थित भी होता है। लेकिन अगर मिथिया सिलोम की बात करें तो मिथिया सिलोम में आता है एस्केलमेंथिस संघ। कौन संघ आता है? एस्केलमेंथिस संघ। और मिथिया सिलोम किस में आता है? दीपासर्व सममित के शरीर में। तो सिलोम के साथ जो आता है दीपासर्व सममित में वो आता है सिलोमेटा। और सिलोमेटा में कौन कौन सा संघ आता है? वो आता है संघ एनेलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉडेटा और कॉडेटा, इतना संघ आता है।
और ये सभी संघ को बारी बारी से एक एक करके अच्छे ढंग से इसको पढ़ना है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।